हेलो दोस्तों, ईएफए लर्निंग के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंजीनियर्स इंडिया शेयर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कंपनी डिविडेंड के लिए बहुत जानी जाती है। इसका बहुत ही अच्छा डिविडेंड पेइंग रिकॉर्ड रहा है, तो कंपनी फिर से डिविडेंड देने जा रही है, तो उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी इनफैक्ट वो कंपनी है, जहां गवर्नमेंट का जो हिस्सा है 51.5% है। मतलब पूरी गवर्नमेंट कंपनी है और डेट फ्री कंपनी है। तो कंपनी के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डेटा के साथ जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिविडेंड से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें। दोस्तों, यहां पर जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है मार्च 11। 11 मार्च को बोर्ड मीटिंग बैठने वाली है इंजीनियर्स इंडिया की। गुरुवार का दिन है और उस दिन छुट्टी भी है, उस दिन मार्केट भी बंद रहेगा क्योंकि महाशिवरात्रि है उस दिन, लेकिन बोर्ड मीटिंग होने वाली है और उस दिन डिविडेंड का ऐलान होगा। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट डेट आ चुकी है वो है एक्स डिविडेंड डेट। मतलब इंजीनियर्स इंडिया के डिविडेंड के लिए आपको एलिजिबल होना है तो 18 तारीख से पहले आपको शेयर को खरीदना होगा। ये जस्ट एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए बोल रहे हैं दोस्तों, या कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, इसको जान के रखिए। तो 18 मार्च है एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट है 19 मार्च को। अब क्यों ये एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है, अच्छा खासा ये डिविडेंड पे करती है, डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा है, वो क्यों है वो हम बताते हैं दोस्तों डिविडेंड हिस्ट्री के साथ। अब देखिए, लेटेस्ट में बाईबैक ऑलरेडी कर चुकी है कंपनी और 1.55 रुपीज का डिविडेंड आ चुका है, तो अभी का जो डिविडेंड होगा उसको ऐड करेगा तो एक अच्छी खासी यील्ड बन सकती है। देखिए, पिछले साल 3.60 रुपया का डिविडेंड दिया था, जो कि पिछले साल स्टॉक प्राइस यही 80-90 के आसपास था, तो समझ लीजिए कि बिल्कुल 4% की डिविडेंड यील्ड वहां पर हो ही जा रही थी, और फिर यहां पर ये 75 पैसा भी आप ऐड कर लीजिए तो एक डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट इसकी 5 से 6% की रही है हिस्टोरिकली अब देखें तो। फिर फेब्रुवरी की हम अगर बात कर रहे हैं, फेब्रुवरी मार्च की, तो 3.25 रुपया का डिविडेंड 2019 में आया है और 2.50 रुपया का डिविडेंड 2018 में आया है। तो हम देख पा रहे हैं 2.5 रुपए से 3.60 रुपए की एक डिविडेंड हिस्ट्री पिछले कुछ सालों में रही है। दोस्तों, इस साल में कोविड को लेकर थोड़े डिस्टर्बेंस रहे हैं, ऑर्डर फ्लो थोड़े कम रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डिविडेंड की उम्मीद नहीं करते हैं, बट फिर भी एक 3 से 4% की एक डिविडेंड यील्ड इस ये जो अभी का जो स्टॉक प्राइस चल रहा है 80 रुपए 84 रुपए के आसपास, तो उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बट 11 तारीख को और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। दोस्तों, यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता दें, अगर आपके आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड का अभी भी कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो लीडिंग ब्रोकरेज हाउसेस से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, फ्री में खुलवा सकते हैं और आपको 300 रुपीज कैशबैक हम लोग की तरफ से मिलेगा दोस्तों। तो लिंक नीचे दी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं इंजीनियर्स इंडिया पर और क्या है इंपॉर्टेंट डेटा। डेटा में सबसे पहले है म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट। दे देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, उन्होंने एक बिल्कुल सिंपल हम देख पा रहे हैं कि उन्होंने अपना जो स्टेक है इस स्टॉक में बिल्कुल क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटाया है, तो आईसीआईसीआई थोड़ा सा नेगेटिव है। फिर उसके बाद देखते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड, उन्होंने 3 गुना कर दिया है। देखिए, 1.1 से अभी 3.3, उन्होंने 3 गुना स्टेक को बढ़ाया है, तो दो जगह से दो अलग अलग व्यूज आए। आगे देखते हैं, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने एंट्री ही की थी, देखिए 1% से, उन्होंने भी देखिए 3 गुना अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है, वो हम देख पा रहे हैं। फिर अगला व्यू देखिए, वो है एलएनटी म्यूचुअल फंड, 5.6% से 1.9, तो उन्होंने अपना जो स्टेक है अच्छा खासा घटाया है, तो दो जगह से दो व्यू मिल रहे हैं हमको। अगला कौन है? अगला है निपॉन। निपॉन ने 0.76 से 1.3 किया हुआ है, लेकिन एक चीज यहां देखिए, उन्होंने सितंबर से दिसंबर में थोड़ा सा स्टॉक को बेचा है, तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल है, पॉजिटिव है वैसे लॉन्ग टर्म में, लेकिन ये थोड़ा सा न्यूट्रल है निपॉन का। फिर देखिए आदित्य बिरला, आदित्य बिरला भी बेच रहा है, लेकिन देखिए 1.3 से 0.3 किया है, लेकिन सितंबर से दिसंबर थोड़ी सी इन्होंने यहां पर खरीदारी की है। तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड के जो एक्शंस हैं उनसे बहुत कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ म्यूचुअल फंड बिल्कुल नेगेटिव है, कुछ म्यूचुअल फंड बिल्कुल पॉजिटिव है, ओवरऑल म्यूचुअल फंड के एक्शंस न्यूट्रल है, मैंने यहाँ एन लिख दिया है। आगे कुछ कंपनी के बारे में समझते हैं, डेटा के साथ हमेशा हम बात करते हैं, तो सिंपल ये डेटा है आपके सामने। ये देखिए, मार्केट कैप इसके 4,700 करोड़ है, मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो स्मॉल कैप कंपनी दोस्तों आपको पता ही है कि जब चलते हैं तो बहुत अच्छा चलते हैं,
जब नहीं चलते हैं तो नहीं ही चलते हैं। मैं आपको बताता हूं, 2017 जब स्मॉल कैप की जब रैली हुई थी, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको बिल्कुल पता होगा, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। 2017 में अगर आपने इंजीनियर्स इंडिया स्टॉक को देखा होगा तो दिसंबर के महीने में स्टॉक ने 200 रुपया को टच किया था, मैं 200 लिख देता हूं, और अभी देखिए 52 वीक हाई में आप 100 भी नहीं देख पा रहे हैं। तो आप यही है, स्मॉल कैप जब चलते हैं तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दे देते हैं, और ये गवर्नमेंट कंपनी स्मॉल कैप थी, अच्छा खासा उसने उस समय में ये स्टॉक ऊपर गया हुआ था। बट फिलहाल 83-84 रुपीज के पास है, प्राइस अर्निंग रेशियो है 13.7 जो कि इंडस्ट्री पी के लगभग बराबर ही है, बुक वैल्यू 43.3 है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखें तो 2 से थोड़ी सी कम है, जो कि थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाती है। क्योंकि क्यों बनाती है वो भी बताते हैं, ये देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29% की, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.8% की, और जीरो डेट। ये तीन बहुत ही एक लीथल एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है कि आप डेट फ्री कंपनी है और जो भी पैसा आप लगा रहे हैं उसमें आप 28-29% आप के जो रिटर्न है आप कमा भी रहे हैं, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज है, और उसकी वजह से ही हम देख पा रहे हैं कि डिविडेंड यील्ड भी 4 से 6% की रही है। देखिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स पॉजिटिव है, कैश पॉजिटिव है, सेल्स ग्रोथ 13% हुआ है और प्रॉफिट ग्रोथ भी 5 सालों में 9% हुआ है, तो फंडामेंटली तो कंपनी ठीक ठाक दिख रही है। मैं अगर अपने पोर्टफोलियो में अगर इसको रखना चाहूंगा तो 1% से थोड़ा कम, या मैं 0.5% के आसपास का ही इस कंपनी को मैं अगर अपने पोर्टफोलियो में पर्सनली रखना चाहूंगा तो इतना का मैं वेटेज दूंगा। मैं बहुत बड़ा वेटेज इसीलिए नहीं दूंगा क्योंकि देखिए एक स्मॉल कैप कंपनी है और अभी भी क्वार्टर फोर और जो इम्पैक्ट है जो कोविड का वो अभी भी पता नहीं चल रहा है, तो इसीलिए अभी से थोड़ा सा ही इसमें थोड़ा डिविडेंड के लिए और थोड़ा बहुत इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को देखते हुए यहाँ पर थोड़ा सा ही मैं एलोकेशन करूंगा। ये मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए दोस्तों। एसेट एलोकेशन को मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है, और उसमें वहां पर आपको आपके जो पर्सनल जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो आपको हेल्प कर देंगे दोस्तों। देखिए ये है हिस्टोरिकल प्राइस अर्निंग का जो डेटा है। देखिए वैल्यूएशन के बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं, ये तो हम समय की कमी है तो सिर्फ पी रेशियो पर ही फोकस कर रहे हैं, स्क्रीनर से हमने ये डेटा लिया हुआ है। देखिए हिस्टोरिकली 18.2 का पी है और अभी पी इसका 13.7 14 के आसपास चल रहा है, मतलब थोड़ा सा तो अंडर वैल्यूड है। अब देखिए अब ये दो पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जब पी बिल्कुल कम था, कम कब था, जनवरी 2014 को, और उस समय जो स्टॉक प्राइस था पिछले जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से आप देख भी सकते हैं कि एवरेज में हाँ 75 रुपीज के आसपास इसका स्टॉक प्राइस था, अगर मैं जनवरी की बात करूं तो 75 रुपीज के आसपास था। और ये जो पी का बिल्कुल पीक जो है ये मतलब दिसंबर 2017 जो हमने थोड़ी देर पहले बात की, उस समय स्टॉक प्राइस 200 रुपीज तक पहुंच गया था। तो सही एंट्री भी जरूरी है, सही एग्जिट भी जरूरी है, कोई बिल्कुल हाई पी में जो इंटर किया हुआ है अच्छा प्राइस देख के 200 रुपया देख के, तो उनके लिए तो पैसा आधा हो गया है, लेकिन जो इन्वेस्टर लो पी के समय में इन्वेस्ट किया है तो उनके लिए पैसा डबल भी हुआ है या डबल से ज्यादा भी हुआ है। तो फिलहाल ये लो पी में है और इन्वेस्टर तो बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि ये भविष्य में 30 का पी हो और बिजनेस भी अच्छा हो तो स्टॉक प्राइस डबल भी हो सकता है, लेकिन ये सब तो अटकलें हैं। मेन जो आइडिया था वो बताना कि किस हिसाब से जो स्टॉक है थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स अभी भी पॉजिटिव नहीं है, इस चीज को आपको अभी भी देखना है क्योंकि वो न्यूट्रल है, कुछ बेच रहे हैं कुछ खरीद रहे हैं, तो वहां से हमको बहुत कुछ डेटा नहीं मिल रहा है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, नए आइडियाज आए होंगे, दूसरे भी जो कोई स्टॉक है वहां पर आप नए नए आइडियाज को यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब क्वार्टर फोर के रिजल्ट पर बहुत ज्यादा रहेगा बिल्कुल हमारी उम्मीद, अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो फिर उसके बाद आगे क्या इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं, उसके बारे में मैं पर्सनली मैं कहूँ तो मैं यहाँ डिसीजन ले सकता हूँ दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।